आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी की, दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार की। इन तस्वीरों में अनुभव का फर्क है। एक नए नए सीएम बने हैं, शासन चलाने का अनुभव नहीं। दूसरे नीतीश कुमार, जितनी जगन रेड्डी की उम्र होगी उतना उनका राजनीति का अनुभव होगा, और तो और 15 साल से सत्ता में तो हैं। अब अंतर को ऐसे समझिए कि कोरोना के मामले में आंध्र प्रदेश बिहार से कहीं आगे। आंध्र प्रदेश में लगभग 54,000 केसेस हैं, जबकि बिहार में 27,000, बिल्कुल आधा। लेकिन आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की तैयारी देखिए। एक दिन में मरीजों की जरूरत के लिए खरीद लिए 1,088 एम्बुलेंस, और ये भी तय किया कि शहरों के अंदर 15 मिनट पर और गांव में 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस तमाम सुविधाओं से लैस होकर पहुंचे। जबकि बिहार की बात करें तो लॉकडाउन के 3 महीनों में नीतीश कुमार ने तैयारियों के नाम पर क्या किया, इसकी स्थिति देश के सामने। ना पीपी किट, ना ही अस्पताल और ना ही कोई सुविधाएं। नीतीश सरकार ये तक समझ नहीं पाई कि लॉकडाउन तैयारियों के लिए किया गया है, ना कि उपचार। आखिर कब तक लॉकडाउन लगा कर रखेंगे? सोचिए जरा, हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें अब बेड को आरक्षित किया गया है उनकी संख्या को जोड़ दें तो उससे ज्यादा मरीज एक दिन में बिहार में आ रहे हैं। सबसे बेसिक बात है कोरोना के मामले में टेस्टिंग। हर दिन सरकार को टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन बिहार में सिर्फ 51 लैब्स हैं, और ये कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही, यानी कि एक लैब में रोज 200 लोगों का टेस्ट। लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 10,000 टेस्टिंग से क्या होगा? केंद्र की टीम लव अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार आई थी, और सूत्रों की माने तो जो कहा है वो चौंकाने वाला है। केंद्रीय टीम बिहार की स्थिति से काफी निराश है और कई सारे निर्देश सरकार को दिए। लव अग्रवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बेंगलुरु की तर्ज पर काम करने की जरूरत है, लैब में जांच क्षमता बढ़ानी होगी और कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लव अग्रवाल ने साफ साफ कहा है कि अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देते तो बिहार में संक्रमण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ऐसे में सोचिए जरा, बिहार में कैसी स्थिति, और केंद्र की टीम के निर्देश का पालन क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को तो जगन रेड्डी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि एक दिन में कैसे 201 करोड़ के बजट से एम्बुलेंस खरीद लिया और लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने लगे। यही तरीका है कोरोना से बचाव का, इसी तरीके को नीतीश कुमार को भी अपनाना चाहिए, तभी राज्य की जनता की जान सलामत रहेगी।